पबजी मोबाइल की ऑडियंस, अगर तुम काफ़ी समय से पबजी मोबाइल को खेल रहे हो तो तुम्हें गाइस टेंसेंट कंपनी के बारे में तो अच्छी तरीके से पता ही होगा, टेंसेंट गेम्स के बारे में, जो कि गाइस पबजी मोबाइल की ऑलमोस्ट अगर बात की जाए कि भाई बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, जैसे वो आउटफिट बनाने की बात हो गई या फिर गेम में अपडेट देने की, मतलब तुम जो सोच भी नहीं सकते वहाँ टेंसेंट इन्वॉल्व है गेम को लेकर। बट टेंसेंट की अगर बात की जाए तो टेंसेंट पबजी मोबाइल से तब चला गया था जब गेम इंडिया में बैन हुआ, तो उसके कुछ समय बाद भाई टेंसेंट ने अपडेट देना बंद कर दिया, उसने पूरा गेम शिफ्ट कर दिया था लेवल इन्फिनाइट पे, और लेवल इन्फिनाइट ने भाई अपना कुछ ना कुछ तो भाई टाइम दिया ही इसमें, मतलब इतना भी कुछ खास चेंजेस नहीं किए हैं उसने, होल्ड डाउन ही रखा गेम को। क्योंकि गाइस अगर बात की जाए 2023 के स्टार्टिंग में तो तुम्हें पता है भाई बहुत सारे चेंजेस लाए थे, मतलब एक टाइम के लिए लगा था भाई पबजी मोबाइल वापसी कर लिया था, ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, बट उसके टाइम कुछ टाइम बाद भाई फिर से गेम को फिर डल कर दिया गया, और जिसके बाद ऑडियंस चलो अब के टाइम पर खुश होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है खुश हो सकती है, क्योंकि गाइस टेंसेंट गेम जो है फिर से गाइस पबजी मोबाइल में वापसी कर चुका है। अगर आप लोग भाई कई जगह डाउनलोड करने के लिए जाओगे तो तुम्हें अब टेंसेंट गेम दिखना चालू हो गया था जैसा कि पबजी मोबाइल में आया था, और गाइस इसको देख के ना मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, जानते हो क्यों? क्योंकि गाइस देखो ये चेंजेस ना आज से कम एक या दो दिन पहले हो गए थे, और मैंने इस पे वीडियो बनाने का कोई डिसीजन भी नहीं लिया था, मैंने कहा यार नहीं बनाना वीडियो, मन ही नहीं कर रहा था भाई वीडियो बनाने का, बट उसके मतलब नेक्स्ट दिन मतलब कल के दिन की बात कर रहा हूँ, कल के दिन ना गाइस क्या हुआ कि जो पबजी मोबाइल का बीटा वर्जन है, अब गाइस आप लोग को पता है बीटा वर्जन पे जो एशिया और साउथ अमेरिका दिखता है यूरोप वहाँ पे गायब है, मतलब बीटा वर्जन में यूरोप सर्वर नहीं दिखता है, और सेम गाइस वैसा ही कुछ कंडीशन यहाँ पे भी हो गया है, मतलब पबजी मोबाइल अगर तुम लोग ओपन करते हो ग्लोबल वर्जन तो वहाँ पे तुम्हें एशिया दिखेगा, यूरोप दिखेगा, बट वहाँ पे साउथ अमेरिका गायब कर दिया गया है, मतलब बीटा वर्जन पे यूरोप सर्वर गायब है और पबजी मोबाइल के ग्लोबल वर्जन पे साउथ अमेरिका को गायब कर दिया गया है, मतलब अगर तुम सर्वर चूज करने के लिए जाते हो तो साउथ अमेरिका सर्वर अवेलेबल नहीं है, बट तुम्हें पता कि साउथ अमेरिका पे मैचिंग होना बंद हो गई थी काफी समय से, वहाँ पे बंदे नहीं थे, मैचिंग नहीं होती थी, बट उस सर्वर को ही इन्होंने रिमूव कर दिया है। अब इससे खुश होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए आई डोंट नो गाइस, बट ये चीज़ें देखने के बाद भाई मेरे को लगा कि यार चलो चेंजेस कुछ ना कुछ कर रहे हैं भाई, क्या तामझाम कर रहे हैं, चलो एक वीडियो बना के ऑडियंस को बता ही देते हैं। अब इसमें कुछ भी एक्साइटमेंट मुझे नहीं लगा, बट लगा कि यार ठीक है कुछ था उन्होंने फिर से हटा दिया, जैसे बहुत सारी चीज़ें हटा दी है वैसे भी इसको भी हटा दिया, अब कुछ टाइम पे साथ यूरोप भी हटा दे, एशिया भी हटा दे, और उसके बाद टाटा बाय बाय कर देंगे। बट हाँ टेंसेंट को लेके भाई मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हुआ था, बट ये जब से साउथ अमेरिका रिमूव कर दिए तो उसको लेके भाई सारी चीज़ें फिर से वैसे ही हो गई हैं, और एक डार्क रियलिटी या फिर कह लो एक रियलिटी अगर हम लोग फेस करनी चाहें ना, तो गाइस देखो तुम लोग को भी पता है कि यार 4 साल बीत चुके हैं पबजी मोबाइल को लेके, मतलब बैन हुए भाई इंडिया में 4 साल बीत चुके हैं, और आने के चांसेस तो मैं नहीं कहता कि भाई पबजी मोबाइल वापसी कर जाएगा, टेंसेंट आ गया तो भाई पबजी मोबाइल वापसी कर जाएगा, बट एक तरीके से छोटी सी होप मुझे लग गई थी कि भाई शायद तक गेम में थोड़े बहुत चेंजेस कर दे, कोई नया अपडेट देना शुरू कर दे, फिर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट जिस तरीके से साउथ अमेरिका को उन्होंने रिमूव कर दिया है उसके बाद तो मेरी वो थोड़ी सी जो उम्मीद थी वो भी गाइस पूरी खत्म हो चुकी है। और गाइस देखो मुझे नहीं लगता कि यार कुछ खास करेगी टेंशन, बट हाँ उन्होंने आते ही एक चेंजेस कर दिए जो कि मैं इसको खुशी भी नहीं कह सकता, बुरा भी नहीं कह सकता, बट हाँ चेंजेस किए, तो मैंने सोचा तुम लोग को ये चीज को हाईलाइट करवा दूं। एंड गाइस जस्ट लिसन, अभी के टाइम पे ना क्या चल रहा है मेरे साथ कि भाई काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते हैं, कई सारी मेरी ऑडियंस आती है, तो वो कहती है ना कि भाई पबजी मोबाइल आईडी में मॉन्स्टर भाई स्कैम कर रहे हैं, मतलब वो लॉबी पे जाते हैं सबको बोलते हैं भाई एल्प सेट मम्मी सेट 200-300 रुपए में ऐसे भाई बिकते हैं, तो वो बेचते हैं भाई लॉबी पे आके बोलते हैं बीसी खरीद लो, ये कर लो वो कर लो। तो भाई तुम लोग को एक रियलिटी बता दूं, मेरे को गेम खेले पबजी मोबाइल आईडी कम से कम भाई 8 या 9 महीने हो गए हैं, मतलब 10 महीने अप्रॉक्स ले लो, जहाँ पे मैं गेम में सिर्फ जाता हूँ कुछ भी नया चेंजेस आया वीडियो बनाओ वीडियो डालो, उसके अलावा भाई गेम प्ले वही पुराने पड़े हैं वही चल रहे हैं, और लोगों भाई के स्कैम हो रहा है कि भाई लॉबी पे आते हैं भाई वो कहते हैं भाई आईडी दे दो, कई सारी मेरे को आइडियाँ आती रहती हैं कि भाई मॉन्स्टर के वाईटी यूट्यूब बीसी परचेस करना है आईडी सेलिंग करना है ये करना है भाई ईमेल, तो भाई तुम्हें बता दूँ भाई मैं कभी भी तुम्हें भाई लॉबी पे तो मिलूंगा ही नहीं भाई, ये स्कैमर होते हैं जो आते हैं तुम्हारे पास भाई स्कैम करने, मैं तुमको भाई लिटरली लॉबी पे तो मिलूंगा ही नहीं कि भाई मेरे से ये आईडी खरीद लो ये खरीद लो वो खरीद लो, ये बोलने तुम्हें लॉबी पे आऊंगा ही नहीं। और रही बात गेम की, तो भाई मैं गेम खेल ही नहीं रहा हूं भाई पबजी मोबाइल, तो भाई कम से कम 10 मंथ हो रहे हैं 8 मंथ हो रहे हैं नहीं खेला, और रही बात भाई बीजीएमआई की, तो बीजीएमआई भी नहीं खेल पा रहा हूं भाई, बीजीएमआई भी 3-4 महीने से नहीं खेल पा रहा हूं भाई, बिजनेस चल रहा है बिजनेस पे फोकस कर रहा हूं, और भी कई सारे भाई प्लेटफॉर्म है भाई उन पे भी ध्यान दे रहा हूं, शॉर्ट्स के चैनल है उनमें ध्यान दे रहा हूं, और इंस्टाग्राम पे मैंने 0-2 लाख रुपीस अर्निंग करने का चैलेंज लिया है 0 इन्वेस्टमेंट के साथ 30 डेज के लिए, तो ये भी चैलेंज इंस्टाग्राम पे मैंने कर लिया, तो भाई तुम इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, मैंने लिंक दे रखी है, तो आराम से जाओ और जाके देखो भाई, बहुत अच्छी तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी,
तुम भी आराम से अर्न कर सकते हो। तो भाई तुम खुद सोचो भाई, इतने सारे काम हैं और मैं इन सब को छोड़ के लॉबी पे जाके भाई 200 का मम्मी सेट ले लो, 300 का हेल्प सेट ले लो, ये सब करने जाऊंगा। भाई ये बंदे स्कैमर है, इनसे थोड़ा सा बच के रहो। और काफ़ी सारे लोग मेरे को कमेंट करते रहते कि भाई कल मैं तुम्हारे लॉबी पे आया, आपने किक आउट कर दिया। भाई मैं लिटरली गेम ही नहीं खेल रहा हूं, तो तुम्हें कैसे किक आउट कर दूंगा। तो यही कह रहा हूं भाई कि ये सब स्कैमर है भाई गेम में, पबजी वर्ल्ड, मतलब गेम डेड हो चुका है भाई। ऑडियंस जो भी बची कुची उसमें भी भाई उनको लगता है भाई स्कैम कर लो जितना हो सके। भाई मैं क्या कहूँ, कुछ कह भी नहीं सकता इस मोमेंट में। एंड हाँ गाइस, देखो जितनी भी ऑडियंस है उन सबसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गाइस अगर तुम्हारे कोई फ्रेंड हो या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा हो जो गेम खेलता हो और उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो कि कभी कोई लॉबी पे मॉन्स्टर बन के YT बन के आया हो और आके भाई कहा हो मम्मी सेट ले लो, हेल्प सेट ले लो, BC परचेज कर लो, और भाई जो भी कहा हो, तो अगर ऐसा कुछ स्कैम हुआ तो उसके लिए भाई मैं सॉरी बोलता हूँ। भाई मेरी भी कहीं ना कहीं गलती होगी इसमें, तुम्हें बुरा लगा हो कि भाई मैंने ऐसा किया, बट मैं वो नहीं हूँ गाइस, मैंने ऐसा तुम्हारे साथ नहीं किया। भाई ऐसे बहुत सारी आइडियाज़ मुझे मिल जाती हैं, ऐसे बंदे मिल जाते हैं जो कि जर्नल चैट, वर्ड चैट में स्पैम करते रहेंगे कि भाई 200 में हेल्प सेट ले लो, मेरा यूट्यूब चैनल मॉन्स्टर। तो भाई ऐसे बंदे रहते भाई, मैं क्या कह सकता हूँ। बट गाइस अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो भाई उसके लिए मेरी तरफ से भाई बहुत सॉरी कि भाई क्या कहूँ मैं इस पर। बट हाँ गाइस देखो, तुम लोग को अगर फिर से ऐसा कोई बंदा मिलता जो कि जर्नल चैट या फिर वर्ड चैट पर जाके भाई ऐसे स्पैम करता है कि भाई 200 में और मेरा नाम लेकर रखता ना, तो भाई तुम लोग के लिए एक बंपर ऑफर है जिनके साथ भी स्कैम हुआ हो, भाई उनके लिए गिव अवे ही समझ लो। अगर उनको जाके तुम लॉबी पे अच्छे खासे सुना के आते हो और अच्छे अच्छे प्रिय वचन बोल के आते हो, तो तुम भाई तुम सिंपली उस वीडियो को मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग कर देना। और गाइस लिटरली तुम्हें बोल रहा हूँ भाई, 100 रुपीज़ का फोन पे भाई मैं अपने तरफ से करूंगा। तो भाई कर सकते हो। बाकी गाइस हाँ, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक करना और दोस्तों तक शेयर कर देना कि, और बता देना भाई टेंसेंट वापस आ गई है, तो देखो क्या कमाल धमाल मचाती है, कोई अपडेट वगैरह देती है। वैसे भी 9 महीने हो गए भाई, 9-10 महीने हो गए इसमें, तो क्या ही बोलूं भाई। बट हाँ, वीडियो को थोड़े से शेयर कर देना, मुझे भी हेल्प मिल जाएगी, थोड़ी सी रीच मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।